आज हम लोग क्लास 10th साइंस का एक सैम्पल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, लास्ट तक देखिएगा। और आप लोगों में से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, थैंक यू। जिन लोगों ने नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ताकि आगे आने वाला वीडियोज मिल सके, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है, एक पेन पेपर लेके बैठ जाइए, ताकि जो भी क्वेश्चन है उसको उतारते चलिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ सेमिनल वेसाइकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ठीक है। सेमिनल वेसाइकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड का रोल क्या है? तो जो सेमिनल वेसाइकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड है, एक्सप्लेनेशन सुनिए। वो कुछ लिक्विड और हार्मोन्स सेक्रेट करता है, ठीक है। अब ये हार्मोन जो है, जो सेमिनल वेसाइकल्स का लिक्विड है, वो क्या करता है, स्पर्म को मोबिलिटी देता है, मूव करने के लिए एबल बनाता है, ताकि वो पेनिस से वेजाइना तक जा सके, मूव कर सके, ठीक है। और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, उससे जो फ्लूड निकलता है, उससे जो फ्लूड सिक्रीट होता है, वो उस स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है, ठीक है। तो दोनों का वर्क आप समझ गए कि सेमिनल वेसाइकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड का यूज क्या है, वर्क क्या है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज यूरेथ्रा, यूरेथ्रा क्या है? तो यूरेथ्रा एक मस्कुलर ट्यूब का पैसेज है, ठीक है। मस्कुलर ट्यूब का एक पैसेज है, जो यूरिन जो होता है, जो यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है, उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए एक मस्कुलर पैसेज, मस्कुलर जो ट्यूबुलर, जो ट्यूब के शेप का एक पैसेज है, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई ग्रुप 17 एलिमेंट्स फॉर्म निगेटिव आयंस, जो ग्रुप 17 एलिमेंट होता है वो हमेशा निगेटिव आयन क्यों बनाता है? तो देखिए, जो ग्रुप 17 एलिमेंट है, उसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 7 होगा, 1 2 3 4 5 6 7। और हम लोग को पता है कि कोई भी एटम क्या चाहता है, ऑक्टेट कंप्लीट करना। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन इसको लूज करना पड़ेगा, या 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने में बहुत एनर्जी लॉस होगा, बहुत एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। लेकिन जब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसके वजह से उस एटम पे कैसा चार्ज आ गया, उस एटम पे आ गया निगेटिव चार्ज, उस एटम पे निगेटिव चार्ज आ गया। और निगेटिव चार्ज अगर किसी भी एटम पे आता है, तो वो कैसा आयन बनता है, निगेटिव आयन। और निगेटिव आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, अनायन। साथ में ये भी याद रखिएगा, जो जो पॉजिटिव आयन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कटायन, ठीक है। कोई भी अगर आपसे पूछे कि, यही थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दे, कि अगर वो कटायन क्यों बनता है, तो मान लीजिए कि कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन, ऐसा एटम है जिसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। इलेक्ट्रॉन लूज करने से क्या होगा, कि उसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या कम हो जाएगा, प्रोटॉन का संख्या ज़्यादा, तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो वो क्या बन जाएगा, वो जो एटम होगा वो एक कटायन बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन लिखते चलिएगा। चौथा क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म पावर ऑफ अ लेंस, गिव इट्स एसआई यूनिट, स्टेट वेदर द पावर ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस इज पॉजिटिव और निगेटिव। अब देखिए, पावर ऑफ लेंस क्या होता है? तो कोई भी लेंस अगर है, कोई भी लेंस, चाहे वो कन्वेक्स हो या कनकेव हो, ठीक है, उसका एक फोकल लेंथ होगा। ये हम आपको, मेरा लेक्चर भी है, इसमें सर्च करिएगा, मिल जाएगा वीडियोज में जाके, प्लेलिस्ट में। तो लेंस का फोकल लेंथ होता है, और उस फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, पावर का डेफिनेशन होता है कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। लेकिन फोकल लेंथ तो मान लीजिए सेंटीमीटर में भी दे सकता है, पावर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ किस में होना चाहिए, मीटर में, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ और फोकल लेंथ होना चाहिए मीटर में, दैट इज डिफाइंड एज पावर, ठीक है। और पावर का एसआई यूनिट होता है
डायप्टर, ठीक है, पावर का ऐसा ही यूनिट होता है डायप्टर, ठीक है। और याद रखिएगा, जो कन्वर्जिंग लेंस होता है वो किसको हम बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, और कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस लेंस। अब याद रखिएगा कि जो कन्वेक्स लेंस होता है उसका फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, और कनकेव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव होता है। अब फोकल लेंथ अगर इसका पॉजिटिव है तो पावर भी इसका पॉजिटिव होगा, और इसका फोकल लेंथ निगेटिव है तो इसका पावर भी निगेटिव होगा। अगर सिर्फ आपसे क्वेश्चन में दे दे कि ए लेंस हैव 0.5 डायप्टर पॉजिटिव, तो वो कौन सा लेंस है, तो पॉजिटिव जैसे ही पावर आप सुनिएगा सीधा कॉन्वेक्स लेंस, अगर निगेटिव है तो कनकेव लेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राइट टू एडवांटेज ऑफ यूजिंग सोलर कुकर। सोलर कुकर यूज करने का दो एडवांटेज क्या है, बहुत सिंपल है। सोलर कुकर अगर है तो मान लीजिए कि पॉल्यूशन फ्री है, ठीक है, मतलब घर का जो हम लोग का ट्रेडिशनल फ्यूल होता है जैसे वुड है, काव डंग है, और डंग केक जो होता है, कोल है, ये सबसे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। लेकिन वो क्या है, सोलर कुकर से जो है पॉल्यूशन फ्री है। और क्या है, जो न्यूट्रिशन होता है, फूड का न्यूट्रिशन वैल्यू जो होता है वो प्रिजर्व रहता है, ठीक है, फूड का न्यूट्रिशन वैल्यू प्रिजर्व रहता है, मनी सेव होता है। ये तो एक क्वेश्चन था। डिसएडवांटेज अगर पूछ देगा तो क्या बताइएगा, डिसएडवांटेज बताइएगा कि ये पूरे साल नहीं चल सकता है, बरसात के समय में नहीं चलेगा, ये सब आगे जो हम लोग आगे अलग अलग क्वेश्चन पेपर जब हम लोग डिस्कस करेंगे ना तो सारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट हीटेड फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है, एक स्टूडेंट जो है वो कुछ क्रिस्टल लिख लिया है कॉपर सल्फेट का, उसको बॉइलिंग ट्यूब में मतलब हीट कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि व्हाट विल बी द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग। अब समझिएगा, जो कॉपर सल्फेट का कलर होगा वो हो जाएगा, कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है, इसीलिए हम इसको ब्लू वाइट्रॉल भी बोलते हैं। इसका कलर हो जाएगा वाइट। क्यों वाइट हो जाएगा, क्योंकि ये जो ब्लू कलर दिखता है, ठीक है, ये दिखता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के वजह से, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के वजह से ये ब्लू दिखता है। और जब ये हीट होगा, जब इस क्रिस्टल को हीट किया जाएगा, तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इवापोरेट कर जाएगा, तो ये ब्लू दिख रहा है इसी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के वजह से, और वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इवापोरेट कर गया तो इसका कलर कैसा हो गया, वाइट हो गया। अब पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन है उसी में, कि विल यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट इन द बॉइलिंग ट्यूब, क्या बॉइलिंग ट्यूब में कोई वाटर ड्रॉपलेट मिलेगा आपको, बिल्कुल मिलेगा, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इवापोरेट हुआ है वो उसी ट्यूब के वॉल्स पे कलेक्ट हो जाएगा। तीसरा है, वेयर हैव दिज कम फ्रॉम, ये कहाँ से, ये जो ड्रॉप्स जो टेस्ट ट्यूब के वॉल पे जो ड्रॉप्स कलेक्ट हुए हैं ये कहाँ से आए, तो ये कहाँ से आए, कॉपर सल्फेट में से ही आए, कॉपर सल्फेट पहले ही से उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था, ठीक है, जब हम उसको हीट किए तो वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो आ गया, तो वहाँ से मतलब इवापोरेट किया और फिर टेस्ट ट्यूब पे कलेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट इज अप्लाइड, लिखते चलिएगा, ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ रेसिस्टेंस ऑफ 440 ओम इन एन इलेक्ट्रिक आयरन, इन एन इलेक्ट्रिक आयरन है, सॉरी, फाइंड द करेंट, करंट बताना है आपको, तो करंट आप बता दीजिएगा ये किससे, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 220 वोल्ट, रेसिस्टेंस दिया हुआ है 440 ओम,
ठीक है, आपको क्या बताना है, करंट इज इक्वल टू व्हाट, करंट बताना है आपको। हम लोग पढ़े हुए हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है, वी इज इक्वल टू आई आर, यानी कि आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई आर, आई इज इक्वल टू वी बाई आर हो जाएगा। ठीक है, तो वी कितना दिया हुआ है 220, और बाई आर कितना दिया हुआ है 440। ठीक है, ये आपको वोल्ट और ये ओम, ये आ गया आपको 0.5। करंट किस में आता है, एम्पियर। ठीक है, 0.5 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस्ड इन 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में कितना इसमें जनरेट होगा, क्या बोलते हैं, हीट कितना जनरेट होगा। ठीक है, तो 30 सेकेंड में, अब इसको याद रखिएगा कि हीट इज इक्वल टू होगा वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो वी स्क्वायर कितना हो गया, 220 का स्क्वायर बाई आर 440 इंटू 30। इसको कलेक्ट कर, वो कैलकुलेट करने पे आएगा 3.300 जूल। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक डिवाइसेस इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टीड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। मतलब कि अगर आप किसी डिवाइस को पैरेलल में जोड़ते हैं, ठीक है, तो उसका क्या बेनिफिट है अगर आप उसको सीरीज में जोड़, मतलब सीरीज में जोड़ने के कंपैरिजन में पैरेलल में जोड़ना ज़्यादा अच्छा क्यों है। तो देखिए, जब हम पैरेलल में जोड़ते हैं, ठीक है, जब हम पैरेलल में उसको जोड़ेंगे तो रेसिस्टेंस जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, रेसिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। आप जब पढ़े होंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, तो उसमें देखे होंगे कि अब रेसिस्टेंस अगर कम हो गया तो क्या होगा, करंट अच्छा मिलेगा हमको। ठीक है, पहला फायदा ये हो गया। दूसरा देखिए, अगर आप सीरीज में जोड़े हुए हैं, अगर कहीं भी किसी तरह का कोई फॉल्ट आता है तो आगे करंट फ्लो करना बंद कर जाएगा, लेकिन अगर आप पैरेलल में जोड़े हैं इस तरीके से, अगर वो आपका कनेक्शन पैरेलल में है, तो क्या होगा कि फॉल्ट कर, अगर यहां पे कोई दिक्कत आ गया तो बस यहां से करंट फ्लो नहीं करेगा, बाकी चीजों को कोई दिक्कत नहीं आएगा। दैट्स वाई कनेक्टिंग इन पैरेलल जो होता है वो ज्यादा अच्छा होता है इन कंपैरिजन टू कनेक्टिंग द डिवाइसेस इन सीरीज। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन, कैल्शियम इज एन एलिमेंट विद जेड इज इक्वल टू 20। जेड क्या होता है, जेड का मतलब क्या है, जेड 20 होने का मतलब उसका एटॉमिक नंबर 20 है। ठीक, अब पूछ रहा है कि कैसे पता चलेगा कि ये एक मेटल है कि नॉन मेटल है। अगर इसका एटॉमिक नंबर 20 है, देन हाउ कैन यू से दैट इट इज अ मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, ये मेटल है या नॉन मेटल है कैसे पता चलेगा। तो देखिए, ये कैसे पता चलेगा कि इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो कितना होगा, 2882 2882। अब इसको ऑक्टेट, यहाँ पे आउटर मोस्ट में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए देखिए, इस तरीके से अगर हम इसको बनाए, ये चौथा, ये मान लीजिए यहाँ न्यूक्लियस है, तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, और सबसे बाहर में 2। तो आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन अगर लूज करता है तो वो मेटल है, और इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता है, इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता है तो वो एक नॉन मेटल है।
पिछले वाले केस में देखिए, जो 17 वाला आप लोग देखे थे, तो उसमें क्या कर रहा था, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, तो वो एक नॉन मेटल था, ठीक है। दूसरा है, राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड, इसके क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा। तो हमको पता है कि क्लोरीन का फॉर्मूला क्या, क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है, 1, और इसका है वैलेंसी 2, ठीक है, इसका वैलेंसी 2 है, तो इसके क्लोराइड का फॉर्मूला हो जाएगा CaCl2, ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि डिस्कस द मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग के न्यूट्रिशन का क्या क्या प्रोसेस है, कौन कौन सा स्टेप इन्वॉल्व होता है इसमें, ठीक है, इसको डिस्कस करना है। तो इसको सुनते चलिए एक्सप्लेनेशन, कि सबसे पहले जब आप डाइजेशन पढ़े होंगे, डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फूड को लेते हैं, खाते हैं, ठीक है। तो जो प्रोसेस होता है फूड को लेने का, उसको हम बोलते हैं इंजेशन। पहला प्रोसेस होता है इंजेशन, ठीक है। इंजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेशन, सबसे पहला प्रोसेस है इंजेशन। उसके बाद जैसे ही हम फूड को खाते हैं, मुंह में डालते हैं, वो क्या होता है, ब्रेक होने लगता है, जो बड़ा बड़ा चंक्स होता है वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक होने लगता है। तो दूसरा जो है वो है डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन क्या होता है, द ब्रेकिंग ऑफ, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ फूड इंटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। जो सिंपल और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में जो हम फूड पार्टिकल्स को जो ब्रेक किया जाता है, उस प्रोसेस को डाइजेशन बोलते हैं। तीसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जब हम फूड डाइजेस्ट हो गया, ठीक है, तो उस फूड में से जो न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब करने का जो प्रोसेस होता है, ठीक है। जो इंटेस्टाइनल वॉल से जब फूड, जब पूरा प्रोसेस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि पहले स्टोमक के बाद जब इंटेस्टाइन में जाता है, तो उस वॉल पे क्या किया जाता है कि जो डाइजेस्टेड फूड जब वहाँ से पास करता है, तो वहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसमें उस, मतलब वो जो फूड का जो न्यूट्रिशियस पार्ट है वो ब्लड में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद चौथा होता है, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है कि जो फूड एब्जॉर्ब हो गया है उसको बॉडी सेल में स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है, उसको बॉडी सेल में रख दिया जाता है, जब एनर्जी का जरूरत पड़ता है उसके लिए, यूज करने के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, जो बॉडी का रिपेयरिंग होता है, जैसे मान लीजिए कहीं कट गया, फट गया, तो आखिर यही सब फूड ही है ना जो रिपेयर के लिए हमको न्यूट्रिशन देगा, इन सब चीज़ों के लिए। और सबसे आखिरी प्रोसेस होता है इजेशन। इजेशन क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उस, वो जब शरीर से रिमूव हो जाता है, वो बाहर चला जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इजेशन। तो ये सब प्रोसेस है जो कि ह्यूमन न्यूट्रिशन में ये सब स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, गिव डिफरेंसेस बिटवीन होमोलोगस ऑर्गन्स एंड एनालोगस ऑर्गन्स, ठीक है। होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन में क्या क्या डिफरेंस है, तो इसको तो आप लिखते ही चलिए, ठीक है, इसको लिख लीजिए। होमोलोगस ऑर्गन, होमोलोगस इधर, एनालोगस इधर, ठीक है। अब होमोलोगस क्या होता है, ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, होमोलोगस और एनालोगस हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, आप इसको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाई यूज ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। जो कोल और पेट्रोलियम का यूज है उसको, एक सेकेंड एक सेकेंड,
हाँ, अगला क्वेश्चन है, वो आगे का क्वेश्चन डिस्कस होने लगा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल, हाउ डज दिस कलर चेंज आफ्टर हीटिंग। ठीक है, तो अब देखिए, ये बिल्कुल सेम उसी तरीके से है। जो फेरस सल्फेट का कलर होता है वो होता है ग्रीन, और ये ग्रीन किसके वजह से होता है? ये ग्रीन होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के वजह से। ये ग्रीन होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के वजह से। जब हम इसको हीट करते हैं, ठीक है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? खत्म हो जाता है। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वेपोराइज हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि इसका कलर वाइट हो जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन आया, बिल्कुल कॉपर सल्फेट वाला ही कॉन्सेप्ट है, फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन होता है, अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये वाइट हो जाएगा। ठीक है, ये वाइट हो जाएगा। अब बोल रहा है कि उसके बाद अगर फेरस सल्फेट को और ज्यादा हीट किया जाए, जो फेरस सल्फेट है उसको बहुत ज्यादा हीट किया जाए, तो हमको कौन कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? ठीक है, तो देखिए, अगर हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं, ठीक है, फेरस सल्फेट को हीट करते हैं, तो हमको मिलेगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, इसको अगर आप बैलेंस करिएगा तो ये हो जाएगा, बैलेंस हो गया। ठीक है, ये भी लिख लीजिए इसका स्टेट। ये सॉलिड में मिलता है, ठीक है, ये भी सॉलिड में मिलता है। ये किस कलर का होता है? ब्राउन कलर का। Fe2O3 रस्ट है, ये ब्राउन कलर का होता है। ये गैस होता है, ये गैस होता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो एक बड़ा ही पंजेंट सा स्मेल आता है, किसके वजह से? वो पंजेंट सा स्मेल यही SO2 और SO3 के वजह से वो पंजेंट स्मेल आता है। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक है, 5 सेंटीमीटर लेंथ नहीं होना चाहिए, हाइट होना चाहिए ये तो। खैर कोई बात नहीं, पढ़ते आगे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर, ये लेंथ मतलब हाइट दिया है, ऑब्जेक्ट का हाइट दिया है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते चलिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर, तो हम उसको माइनस में लेंगे 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर दिया है, तो फोकल लेंथ क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना, फोकल लेंथ कितना होगा? 15 सेंटीमीटर, लेकिन किसका? माइनस का। ठीक है, ये किसका होगा? माइनस का होगा, माइनस 15 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस 15 सेंटीमीटर। अब हमको बताना है कि, अच्छा सॉरी, कन्वेक्स मिरर दिया है, तो कन्वेक्स मिरर में जो होता है फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, 15 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स मिरर है, सॉरी कन्वेक्स मिरर, सॉरी सॉरी, दो तीन मिस्टेक हो गया, कन्वेक्स मिरर है। एक बार हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं, आप लिख लीजिए, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। ठीक है, तो ये सारा चीज दे दिया गया। अब 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, इस पे आप इसको सॉल्व कर लेंगे, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर ही देते हैं, इसका हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, ऐसे करेंगे तो 1/f, 1/f कितना है? f दिया है 15, तो 1/ फोन का स्पेस खत्म हो गया, एक अगला वीडियो बनाते हैं। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9472596352, इस पर भी कमेंट करके बता सकते हैं। सेम नंबर से मेरा पेटीएम भी है। थैंक यू।